सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय मावर। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी। दोस्तों, मैं 3.3 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि NMC के ड्राफ्ट में बताया गया था। इस ड्राफ्ट के अनुसार FMG जो स्टूडेंट्स फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए केवल 2 साल के 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको नेक्स्ट वन के साथ एक एडिशनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का, जो कि हमारी नॉलेज जांचने के लिए होगा। मेरा मानना यह है कि इस ड्राफ्ट में इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, दोनों को बीच में मतभेद किया जा रहा है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, दोनों को इक्वलिटी दीजिए, क्योंकि दोनों लास्ट में देश के लिए काम करेंगे, यहाँ पर आकर पब्लिक के लिए हम सेवा करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, हम दोनों को अलग अलग ना करें, हम दोनों स्टूडेंट्स को, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्लीज़ इक्वलिटी लेकर के आइए। इंडिया में डॉक्टर्स की ऐसे ही कमी, अगर आप ऐसे रूल्स लेकर आओगे तो आप सोचिए डॉक्टर्स की कितनी कमी हो जाएगी। कई FMG जो कई स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में जाते हैं, अपना पैसा लगा करके आते हैं, अपना टाइम दे करके आते हैं, और अगर उनके लिए ही ऐसे रूल्स बनाए जाएगा, उनका खुद का देश ही अगर उनके लिए ऐसे रूल्स बनाएगा कि आपको केवल 2 साल का लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आफ्टर दैट आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये सरासर नाइंसाफी हम लोगों के साथ। प्लीज़ गवर्नमेंट, आप हमारी सुनिए, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। हम मेरी तरफ से जितने भी FMG है, हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस रूल्स को हटाया जाए, सबके लिए इक्वलिटी लाई जाए, ताकि हम सब हमारे देश के लिए सेवा कर सकें। धन्यवाद।